अब हम क्या पढ़ेंगे, समास का दूसरा भेद पढ़ेंगे, ठीक है। समास का दूसरा भेद क्या है, तत्पुरुष समास। पहला भेद क्या, पहला समास क्या था, अव्ययी समास। अब क्या हमारा, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो या दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो, तत्पुरुष समास कहता है। दूसरा पद मतलब कि पहले तो दूसरा पद क्या होता है, जैसे मुक्त, यात्रा, जल, प्रति, ये हमारा समस पद है, लेकिन हमने इसको विग्रह करके देखा तो दोनों तरफ हमारा जो दूसरा पद है, मतलब कि जो हमारा लास्ट पद है, वो हमारा क्या है, मुक्त मुक्त है। देखो दोनों में, चारों उदाहरण में, यात्रा यात्रा, जल जल जल, पति पति, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पद जो प्रधान है, और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप, मतलब से की का, ये क्या है, हमारे विभक्ति चिन्हों के लोप हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखो कैसे, शाप से मुक्त, शाप से मुक्त मीन्स शाप मुक्त, ठीक है। समुद्र की यात्रा, समुद्र यात्रा, गंगा का जल, गंगा जल, दुर्गा का पति, दुर्गपति। फिर वही तत्पुरुष समास क्या है, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो या दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप होने, क्या होते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उनके उदाहरण, शाप से मुक्त।